सो दोस्तों, हम यहाँ इस ग्राउंड में कभी खेला करते थे, बहुत मजा आती थी। अब तो मैं 10th में चले गया ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैं 9th में गया ना, दूसरे स्कूल गया था, तो मैंने ऐसा सोचा कि किसी ने मुझे दूसरे मतलब देश छोड़ दिया है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना लगाव है इस स्कूल से। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फनी फ्रेंड। और दोस्तों, कैसे हो आप सर? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए रामनगर वाली रोड में। लक्की, तो पहली बार घूम रहे हैं? अच्छा, कल ही गया है। और कहाँ है तू? तू भी आ रहा है? अच्छा, गुम हो गया था मेरा मास्क जब मैं खेल रहा था ब्लॉक फील्ड में। सो बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि वो बहुत वाइल्ड कप मास्क था, इसलिए आज मैं एक नया मास्क लूंगा, मेरे सर्जिकल वाला लूंगा अभी। कैसा लग रहा है करने तुझे? अलग की तुझे गाइस, फाइनली मैंने मास्क ले लिया है सामने की मेडिकल स्टोर से। और लक्की ने आज के लॉकडाउन में हम हजमोला वाली टॉफी खा सकते हैं, इसलिए वो हजमोला वाली टॉफी ले गया। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मास्क में? मास्क में अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शीशे की तरह यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है ना कि मास्क मैंने प्रॉपरली पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है ना। कानू तू भी पहन थोड़ा देर तक। तो ये है स्टेशन। सो दोस्तों, ये हमारी कार जो सबसे बीच में है, हाँ ये वाली। दोस्तों, आप जब भी कुछ जैसे छिलका मतलब टॉफी वगैरह खाते हो, तो उसका छिलका प्लीज़ अपने जेब में रखो, क्योंकि हमें अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे नेचर है, हमें जो गिफ्ट दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे डस्टबिन भी था लेकिन गिर रखा है सब कूड़ा। सो अपने जेब में रखिए, जैसे मैंने रखा है ऐसे ही। दोस्तों, ये आपको चिढ़ा रहे हैं ना, बहुत गंदा है। चिढ़ाने की क्या होता है इसमें, ये तो सच है। तो मास्क पहने तो थोड़ी देर तक, उसके बाद तो नहीं पहनेंगे उसके बाद, क्योंकि पेड़ ही पेड़ है। सो यहाँ पे भी बस वगैरह सब खड़ी रहती है, कार वगैरह। और ये ऊपर वाली रोड जाती है पौड़ी के लिए, और नीचे वाली जो रोड है वो रामनगर के लिए जाती है। तो दोस्तों, फाइनली हमें मिल चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, काटना दे, अरे पूछ ही ला रहे हैं। सो कुछ यहाँ कुछ काम चल रहा है लग रहा है। दोस्तों, सब आगे छूट गए, मैं पीछे छूट गया। लगता ना तू भी ना व्लॉगिंग करने से अगर मैं पीछे छूट गया, मैं आगे मिलता है आपको। दोस्तों, मैंने मास्क निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ डर नहीं है कोरोना वगैरह का, एकदम नेचुरल हवा मिलती है ना इसके कारण। दोस्तों, हम एक बार और कैंपिंग करने की सोच रहे हैं यार, मेरी जो बनिया ना हमेशा दिखती है पता नहीं क्यों। सो हम एक दिन कैंपिंग करेंगे देखने फिर से। दोस्तों, लोग वहाँ पे योगा करते हैं जहाँ पे, मैं आपको कैंपिंग करके दिखाऊंगा, मतलब मैं वहीं और मेरे दोस्त भी। सो बहुत मज़ा आने वाली है उस दिन भी, क्योंकि दोस्त के साथ कुछ अलग ही मज़ा आता है, और जो परिवार वाले बहुत भाई बहन होते हैं उनके साथ कुछ अलग ही मज़ा आता है। लेकिन लक्की वगैरह सब आएंगे हमारे साथ, और इस बार मैगी नहीं बनाएंगे, कुछ हटके बनाएंगे। सो इस बार हम बनाएंगे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट खाएंगे हम। सो चलो, हम भी चल रहे हैं थोड़ी ही, मतलब इससे अनुलोम विलोम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी शुद्ध हवा हमारे जब शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर आती है, ऐसा होता है कुछ हाल हमारे शरीर का। यहाँ देखो, लोगों ने गाय मतलब गांव गांव से यहाँ पे छोड़ी रहती है अपनी गायें चरने के लिए, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों गायों को खुद पता चला रास्ता। बारिश आने वाली लग रहा है। दोस्तों, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ उस डॉगी को, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पीछे भाग रहा है। तो दोस्तों, कानू डर रहा है इस कुत्ते से। किसका डॉगी पता नहीं, उतर जा। किसका है यार? अच्छा, अंकल नीचे जो उनका है। कानू डर मत ना, डरा मत कर, काटेगा नहीं तुझे। ये है सबके सब, हम घूमने आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, एजेंसी से ला रहे हो पानी। दोस्तों, फाइनली हम नीचे जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि थक गए अब जाते जाते। दोस्तों, हम बैठ गए हैं, लकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। लकी वो उस वो वाला प्रोसेस कर रहा है जो आग जलाने का नहीं होता लकड़ी से, मुझे लग रहा है ना लकी। सो दोस्तों, अब मैं एक गाना गाऊंगा, इसलिए मैंने माइक भी बुला लिया अपने पास, जो मिनी माइक है। सो मैं गाऊंगा एक इंग्लिश सॉन्ग, मुझे किसी भी, मैं पहले बता दूं, चाहे हिंदी हो, गढ़वाली हो, या कोई भी सॉन्ग हो, मुझे उसके लिरिक्स आती नहीं है ढंग से भी, हमारे थोड़ी थोड़ी लाइन्स आती है बस। सो मैं जो लाइन मुझे आएगी नहीं, मैं उसकी ट्यून ही ट्यून गाऊंगा बस, ठीक है? सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इट्स यू, इट्स ऑल, इट्स यू, इफ आई एम नेवर गोना फॉल इन लव, ऑलवेज ऑन एंड ऑन, इट्स यू, इट्स ऑल, इट्स यू, ब्रेकिंग इन द सन, पार्टी पार्टी फील्स नाउ, सो
please don't break my heart, don't break me again. I was never then, let's see ever, oh we like that, oh we like that snow, oh we know so strong. दोस्तों मुझे लिरिक्स आ नहीं रही थी, मैं कुछ भी गा दे रहा हूँ, मतलब लास्ट की जो मैंने दो लाइन गाई वो मुझे लिरिक्स आती नहीं थी, लेकिन तभी मैंने संघर्ष किया. इन दो लाइनों का गालियाँ अब कानों सुनाएगा. गाना कानों बहुत, कानों की सबसे अच्छी आवाज होगी हमारी फैमिली में. हाँ कुछ भी सुना दे अभी आगे साइड में. Dear God, keep those who my love close to you, keep them happy and safe. Thank you God for hearing my humble prayer. वाह 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 वाह, अब लकी की बारी. तेरी नजरों ने दिल का किया असर हुआ, अब इन मेरी डूब के हो जाऊ पार, यही है दुआ. हो गया थैंक यू. सो दोस्तों मैं एक मांगल गाऊंगा जो मैंने बहुत पहले सीखा था, लेकिन मैं दो लाइन गाऊंगा बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाना नहीं है ना, मुझे ऐसे शौक नहीं है गाने का, वैसे मुझे कुकिंग की शौक है थोड़ा थोड़ा बस. डैणा हो या खुली को गणेश आए, तुम ओ सॉरी तुम ए बोलो ना पीछे से आओ. डैणा हो या खुली भूमि का, माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, का भूमियारा रे. डैणा हो या मोरी को नारेणा है, धड़ा हो या भूमि को यारा रे. बस दोस्तों ये तीन लाइन थी जो मैं बोल पाया आपको. सो चलो बारिश भी आने लग गई है धीरे धीरे. मजा आया तुम सबको? बहुत मजा आया. छाता बोल तो मैं पोपट ला लूं. नहीं. सो दोस्तों ये है मेरा स्कूल जो मेरा सबसे प्यारा स्कूल था, अभी भी है और हमेशा रहेगा. मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ. 8th तक था मेरा स्कूल दून पब्लिक. सो जब मैं 8th के बाद दूसरे स्कूल में गया तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे दूसरे देश में छोड़ दिया है. और हमारे डॉग देखो रॉकी रूबी भौंक रहे हैं, भूल गए होंगे मुझे लॉकडाउन के बाद. पहले मैं उसे खाने के लिए भी देता था कुछ. और दोस्तों मुझे यहाँ के टीचर भी बहुत पसंद थे मेरे, जो सब मेरे फेवरेट टीचर थे, और प्रिंसिपल सर से लेकर सब रॉकी रूबी. बहुत मज़ा आता था मतलब हमारे स्कूल में. बाकी और स्कूल में मज़ा आई थिंक कभी नहीं आ पाएगा जितना मज़ा इसी स्कूल में आया है मुझे. सो मुझे भी अभी भी यादें आती है, बहुत याद आती है यहाँ की. काश मैं फिर से छोटा हो जाऊँ और यहाँ फिर से पढ़ने लग जाऊँ.